अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस SMBS की वीडियो डाली थी, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन डाउट्स है बहुत भर भर के मेरे पास आए, तो मैंने सोचा चलो यार एक वीडियो ही बना देते हैं। कुछ लोगों के कमेंट होते हैं सर कितने एम्पियर का है, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कुछ भी बन जाएगा जो आप बोलोगे, मैक्सिमम 30 एम्पियर तक का लोड ले लेता है। और एम्पियर सर इसको जब साउंड पे चलाते हैं तो एम्पियर ड्रॉप होता है नहीं होता, वोल्टेज ड्रॉप होता है नहीं होता, तो वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें जो ड्राइवर सेक्शन है उसमें फीडबैक लगा हुआ है, जैसे वोल्टेज ड्रॉप होती है या करंट का फ्लो ज़्यादा होता है इसका वोल्टेज स्टेबल रहने की कोशिश करता है, अगर ज़्यादा होता तो 1-2 वोल्टेज अप भी हो जाता है। मतलब जैसे अगर मान लो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अभी जो वोल्टेज है, अभी मैंने इसमें कोई गाना प्ले नहीं किया तो आप वोल्टेज देख सकते हो, अभी इसमें 52.3 52 वोल्टेज मान के चलो 52.3 4 5 तक ही आता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें गाना प्ले करूँगा, गाना लोड दूंगा, करंट का फ्लो बढ़ेगा, तो ये जो वोल्टेज है ड्रॉप नहीं होगा, इसका जो फीडबैक है वो चेक करेगा कि वोल्टेज की पावर कंजप्शन की रिक्वायरमेंट आगे बढ़ चुकी है और ये जो वोल्टेज है थोड़ी अप हो जाएगी, 53 56 तक भी पहुंच जाएगी, एज ए कंपेरिजन जैसे भी फीडबैक मिलेगा ड्राइवर सेक्शन को कि लोड कितना है कितना वॉल्यूम पे बज रहा है, तो वो बढ़ जाता है। और रही इसकी मतलब एम्पियर का कि भाई कितने एम्पियर तक का वोल्टेज, तो ये बन जाएगा कोई सा भी जो बोलोगे एम्पियर का पे जो डिपेंड करता है इसके जो ये मॉस्फेट और डायोड लगे, तो ये जो इसका एक डायोड है ये 60 एम्पियर का एक डायोड लगा हुआ है, और ये जो स्कोर है ये भी मैंने बता दिया कि यार इसमें कम से कम 10 नंबर की वायर लगी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में, 10 नंबर से ज़्यादा ही मोटी होगी। तो अभी मैं इसको गाना प्ले करके दिखा देता हूँ आपको कि भाई एम्पियर ड्रॉप होते हैं वोल्टेज ड्रॉप होते हैं नहीं होते हैं, तो ये रफली है क्योंकि यार बहुत सुबह से मैं काम कर रहा हूँ इस पर, सुबह से मैं इसको चला के रखा हुआ है प्रॉपर। ये जो इसकी हीट सिंक है बिल्कुल भी हीट नहीं होती, अभी मैंने क्लास डी का बोर्ड जोड़ा हुआ है, आप आधा घंटा बजाओ अब 1 घंटा बजाओ ये वाला वो हीट हो जाएगा हल्का फुल्का विदाउट फैन पे, बट ये वाला इसकी जो हीट सिंक है बिल्कुल ठंडी रहती है, जैसे नॉर्मल आप बंद करके ऑन करते ना उस उतने टेम्परेचर पे बिल्कुल रहती है। तो अभी मैं गाने प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, पहले कम वॉल्यूम पे मैं प्ले करता हूँ, तो अभी मैंने इसको प्ले कर दिया है, थोड़ा सा मैं चलाता हूँ, अभी इसकी वॉल्यूम देखना, अभी मैं इसकी आवाज़ खोलूँगा, आप इसका चेक करना वोल्टेज चेक करना कि बड़ा या ड्रॉप हुआ है। जैसे भी मैंने गाना बंद कर दिया है तो आपने वोल्टेज देखा होगा, जब मैंने इसमें गाना प्ले किया था तो वोल्टेज 52 से बढ़ के 55 भी चला गया था, 56 भी चला जाता है, जैसे और मैं और भी वॉल्यूम करूँगा तो ऐसे फीडबैक जैसे लेगा, अगर करंट का फ्लो ज़्यादा होगा तो इसका जो इसका जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड की रिक्वायरमेंट, की बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये हो गया इसका इशू कि आपका एम्पियर ड्रॉप होगा या नहीं होगा, नहीं आपका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज बढ़ेगा ही, अगर करंट का फ्लो बढ़ेगा तो वो वोल्टेज अपने आप ही बढ़ा देगा, वोल्टेज के जैसे आपका आउटपुट मिलेगा, आप जैसे आउटपुट चाहते हो वैसा ही वो अपना पीछे से जो ड्राइवर सेक्शन का इनपुट है कितना वोल्टेज देना है वो अब होता चला जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। मैं आपको फिर प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार गाना, आप वोल्टेज देख लीजिएगा 52, मैंने अभी माइनस में दिखा रखा क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही साइड का साइड लिया है, ग्राउंड मैंने यहाँ से उठाया इधर का और इधर से सिर्फ मैंने लगाया हुआ है, और मल्टीमीटर की पोलैरिटी अलग है तो इसलिए वो माइनस दिखा रहा है, मैंने प्लस पे जोड़ा हुआ है, ऐसे ही 52.4 इस पे आ रहा है, माइनस में भी आ प्लस माइनस में दोनों में आ रहा है, अभी मैंने सिर्फ ग्राउंड से रेफरेंस लिया है तो 52.2 आ रखा है। तो अभी मैं फिर दोबारा गाना प्ले करता हूँ आप देख लीजिएगा, अभी मैं गाना प्ले कर देता हूँ, वॉल्यूम अप कर देता हूँ, अभी आपने देखा वोल्टेज फिर से अबव हो गई थी, मैं कमरे में बना रहा हूँ तो बहुत बेस है और एकदम मतलब कान भिन भिन आ जाता है, इतना बेस आ रहा है, और जो कि इसकी जो सिर्फ 52 वोल्टेज है और इसके जो आउटपुट में जो स्पीकर का आउटपुट है 52 वोल्टेज मैं इसको दे रहा हूँ, तो इसके जो टर्मिनल में स्पीकर टर्मिनल में भी आपका 47 वोल्ट आउटपुट ये निकाल देता है। तो ये है SMPS की वोल्टेज ड्रॉप होता है एम्पियर वोल्टेज ड्रॉप होता है नहीं होता, तो आप देख लीजिएगा जब आप गाना प्ले करते तो वोल्टेज अप हो जाता है, जैसे अभी ये 52 का बनाया था तो वोल्टेज जब गाने पे बजाओगे 54 भी 55 भी पहुंच जाएगी, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने वाली आपका, इस बात में याद रखें क्योंकि वहाँ पे फीडबैक लगा हुआ, वो फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने आप ही वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो ये जो भी डाउट था जिन लोगों का ये इशू हो गया, अभी अभी एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें डायोड था,
सॉरी डाउट था कि लोगों का कि जो क्लास डी का बोर्ड है इसके जो स्पीकर टर्मिनल में सर डीसी ऑफसेट आता है हमारा थोड़ी सी आवाज़ खोलने पे कट कर जाता है या फुल वॉल्यूम पे इतना वोल्टेज आ जाता है डीसी वोल्टेज, तो वो भी मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो आपको चेक करवा देता हूँ।